नमस्कार दोस्तों, आज की कक्षा में एक नया टॉपिक रैखिक समीकरण के संदर्भ में डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन के बारे में देखेंगे। देखिए, रैखिक समीकरण जैसा कि आप देख रहे हो, इसके अंदर सभी केंद्र आपके घात कितनी होगी? एक घातीय। ध्यान रखना, एक घातीय समीकरण होंगे रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया 2x + y = 2। अब देखिए इसको इसको हम जब ड्रॉ करेंगे मैप के अंदर, इसके अंदर ग्राफ के अंदर, तो देखिए इसके अपन दो हल मान ले। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर मैंने 0 एक लिया और वाई बराबर 0, तो एक पहली वैल्यू आपकी ये, और दूसरी अपन इसका मान देखते हैं एक्स बराबर हमने 0 लिया, वाई बराबर 2 लिया, तो इस समीकरण को ये संतुष्ट कर रहा। दूसरा आपका हल ये। अब दोनों हलों को ये अपन ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह से आपको एक समीकरण प्राप्त होगा, एक रेखा प्राप्त होगी। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के अपन प्रयास करेंगे। यहाँ से आपको दो समीकरण दे रखे होंगे और दोनों में आपको एक्स और वाई की क्या निकालने, मान निकालने। तो इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे चैप्टर से, बहुत ईजी है। और यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे उसको आप अधिकतर जो प्रश्न है वो आपके ऑप्शन से सोल्व हो जाएंगे, तो ज़्यादा इसमें कोई टप वाली बात नहीं है। बहुत इजी प्रश्न बनते हैं, बहुत इजी आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, इस प्रकार की आपके रैखिक समीकरण को हल करने की दो तीन विधियां हैं। जैसे एक विधि आपकी विलोपन विधि, एक आपके विलोपन, एक आपके प्रतिस्थापन, ठीक है, और एक आपकी है वज्रगुण विधि। ठीक है, तो ये आपको तीन विधियां हैं, लेकिन यहाँ पे आपको अधिकतर प्रश्नों में ये विलोपन विधि आपको हल करनी। और वैसे आपको ध्यान देना है कि आपको इन विधियों को लगाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से सीधा आप मान इसके अंदर संतुष्ट कराओगे, और जिस ऑप्शन से मान संतुष्ट कर जाएगा वही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो देखिए एक बार इसको अपन हल करते हैं। देखिए, तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने का बहुत बढ़िया तरीका, सबसे पहले आप कोई भी इसमें से किसी भी चर को आप बराबर करिए। देखिए, यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे वाई है, और ये आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू 5, और यहाँ पे आपका वेरिएबल एक्स है, साथ में आपका कॉन्स्टेंट मान है 2। तो आप ये प्रयास करिए कि आपका वेरिएबल और साथ में जो आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू बराबर आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इस समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2x + 2y = 10, और इसको ऐसा रखिए 2x - 3y = 4। अब इन दोनों को घटा दीजिएगा, तो ये घटा हुआ ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 5y और बराबर कितना रहेगा मैं पीछे 6, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके आ जाएगी 6/5। अब y का मान 6/5 आ गया। अब आप क्या करोगे, वापस से इसको किसी भी समीकरण में रख दो। आपने समीकरण 2 में रख दिया, तो ये 2x - 3 × 6/5 = 4, इसको उधर लेके जाइए, तो 2x = ये कितना हो जाएगा, 4 + 18/5। आप इसका लसअप ले लीजिएगा, 5, ये आपका 20, ये 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 38/5, और x को आप इधर लेके जाओगे तो 2 आपके इधर से है, तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा 19/5। तो इस तरह से आपको x और y की क्या निकालने, मान। तो एग्जाम के अंदर आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं लेना है, आपको सीधा ऑप्शन से इसके अंदर मान आपको क्या करना, संतुष्ट करवाना। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और है, इसको देखिए। अब यहाँ पे देखिए, सीधा आप इसको विलोपन से हल करिए, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आपने इसको 2 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 3x + 4y = 10। 2 से करो, ये आपका 4x - 4y = 4। आप इसको जोड़ दो तो ये संख्या आपस में कट जाएगी, ये कैंसल, तो ये आपका 7x = 14। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब 2 मान आप कहीं पर रख दीजिए, आपने समीकरण 1 में रख दिया, तो ये आपका 6 + 4y = 10, और 4y = कितना आ जाएगा, 10 - 6, तो 4y = 4, और y = कितना आ जाएगा आपका 1। तो आपको सीधा ऑप्शन से यही मान फिट कराना है, इसको संतुष्ट कराना, आपको संतुष्ट कर जाए तो वही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देखिए, एक और प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हल करने से पहले थोड़ा सा इसको इधर पक्षांतरण कर दीजिएगा। तो देखिए, तो ये आपका बन जाएगा 9x - 2y = 7, और ये आपका 3x - 5 = 4। अब देखिए, इसको गुणा भाग करिए, बराबर करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 9x - 2y = 7, और ये आपका 9x - 15y = आपका 12।
आप इसको घटा दीजिएगा, बहुत ईजी है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, आपको ऑप्शन से करना, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक है, आपको ऑप्शन फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रहेंगे 13y, और यहाँ पे कितने रहेंगे आपके, ये रह जाएंगे आपके माइनस के 5। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5/13, और ये जो y का मान आप किसी भी समीकरण में रखोगे तो आपका क्या आ जाएगा, x का मान। तो इसी टाइप से हल करना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ विलोपन विधि से हल कैसे करना, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ये तरीका फॉलो नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन के अंदर संतुष्ट कराना, चौथे ऑप्शन से स्टार्ट करना, और किसी एक समीकरण के अंदर या एक ऑप्शन के अंदर जो मान होंगे वो समीकरण को क्या करेगा, पूरा पूरा संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए, जैसे इस प्रश्न को हल करना, तो इसमें भी अपन क्या करें, सबसे पहले अपन एलसीएम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा आपका, 6, तो ये आपका हो जाएगा 3x प्लस आपका 4y बराबर माइनस 6, इसको इधर लेके जाइए, तो ये आपका 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 6, ठीक है। और इसी तरह से इसको ले लो, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 3, तो ये आपका माइनस 3x और ये वाई और बराबर माइनस 3, इसको इधर लेके जाइए, तो 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 9। अब इन दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिएगा, बहुत ईजी है, तरीका आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों को आप देखिए, इन दोनों को आप घटाओगे तो देखिए, घटाओगे तो ये संख्या आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये माइनस के वाई, ये माइनस का 4y, तो माइनस के 5y, और ये माइनस है तो नीचे प्लस आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का और वो आपका माइनस का पीछे रहेगा, माइनस का आपका 3, ये माइनस माइनस उठ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5, और जो y का मान है आप कहीं किसी समीकरण में रख दो तो क्या किसका निकल के आ जाएगा, x का। तो बहुत ईजी है रेखीय समीकरण आपका, जो बहुत ईजी है, यहाँ से एक प्रश्न आपके गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और अब देखिए, एक ऑप्शन से मैंने आपको दिया है, आपको ऑप्शन से ही करना। देखिए इस प्रश्न को अपने ऑप्शन से हल करते हैं, देखिए आप इसमें से पहले ऑप्शन को अपन चेक करते हैं। देखिए x बराबर 2 लेते हैं, x बराबर 2 और y बराबर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस की 6, और बराबर माइनस 1 आना चाहिए, तो यहाँ से नहीं आएगा, ठीक है, तो पहला होगा नहीं। दूसरा चेक करते हैं, x बराबर 3, देखिए ये 3 और y बराबर माइनस 2, तो ये आपका कितना बन जाएगा, माइनस की 4 घटाओगे तो माइनस 1 आ रहा, ठीक है। तो जिससे भी संतुष्ट करेगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप दूसरा मान भी संतुष्ट करा सकते हो, ठीक है, दूसरे समीकरण के अंदर, जैसे 2 एक्स का मान 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6, और इसका माइनस 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6, तो 6 कितने हो रहे, 12। तो कुल मिलाकर के आप दोनों ऑप्शन से इसके अंदर मान फिट करोगे तो ये दोनों के दोनों समीकरण इस मान को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर माइनस 2 पहले वाले इक्वेशन में रखोगे और इसको संतुष्ट करेगा, दूसरे में रखोगे दूसरी को भी करेगा, ठीक है। तो आप एक को कर लो, दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपको हल करना, आपको विलोपन विधि के द्वारा आपको हल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको ऑप्शन सही करना है। तो इस हिसाब से आप सबसे बढ़िया तरीका है यही फॉलो करिए, ठीक है। अगला एक और दिया मैंने, देखिए आप कहीं से स्टार्ट, चौथे से स्टार्ट कर दो। देखो कई बार क्या होता है, आपको चारों ही चेक करने पड़ेंगे, लेकिन कई बार आपको पहला कर दिया आपका आंसर मिल जाएगा, चेक करिए। एक्स बराबर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस की आपकी 4, और वाई बराबर आपका माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो ये 4 और 9 माइनस के 13 हो रहा है, जबकि बराबर प्लस का 13, तो ये नहीं होगा आपका। अगला चेक करिए सी वाला, तो ये आपका माइनस का 6 और ये माइनस का 6, तो ये भी नहीं होगा। बी चेक करिए, एक्स बराबर 2 लीजिए 4 और वाई बराबर 3, तो ये हो जाएगा 9 और बराबर 13, बिल्कुल हो रहा है। और आप दूसरे वाले समीकरण में भी चेक कर लो, 8 और ये हो जाएगा 3, 8 में से 3 जाएगा 5 रहेगा, तो बिल्कुल संतुष्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, बी वाला कर रहा है, ठीक है। तो इजीली आप इसको कर सकते हो। अगला देखिए, अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस है, आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब देखिए यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ इस प्रकार के कैसे प्रश्न बने। देखिए मान लीजिए मैंने दो रैखिक समीकरण ले लिया, एक समीकरण आपका a1x प्लस b1y प्लस c1। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपका x तो वेरिएबल है और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, अचर राशि, ठीक है। इसी तरह से y आपका वेरिएबल है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू, और जो आपका पीछे कांस्टेंट है वो आपको ध्यान रखना c1 है। इसी तरह से दूसरा समीकरण है, इसमें भी ये आपका x का जो गुणांक में है वो आपका a2 है, कांस्टेंट वैल्यू, और y के गुणांक में b2 है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू, और पीछे जो केवल संख्या है वो भी आपका कांस्टेंट वैल्यू, ये क्या होगा आपका c2 होगा। तो इसी फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना, दो इक्वेशन होगी जहाँ पे x का गुणांक a1 होगा, y का गुणांक b1 होगा, और आपका जो पीछे वाली संख्या है वो आपकी c1 होगी। इसी तरह से x दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक a2,
वाई का गुणांक बी टू और संख्या आपकी सी टू। तो इसी फॉर्मेट में आपको समीकरण को रखना है और फिर थोड़ा माइनस प्लस का थोड़ा ध्यान रखना। अब इसकी तीन कंडीशंस आपको ध्यान देनी है, कौन कौन सी कंडीशन देखिए। सबसे पहले मान लीजिए कि ए वन बटे ए टू बराबर नहीं है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है, सी वन बटा सी टू, ये कंडीशन हो रही है। तो इस कंडीशन से अपन क्या देखेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। ध्यान रखना, ऐसी कंडीशन यदि अप्लाई हो जाए तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल के केस में क्या होगा कि यदि अपन इसको ग्राफ में दर्शाएंगे तो आपके जो रेखाएं हैं वो आपस में, चूंकि दो समीकरण हैं तो दो समीकरण से दो रेखाएं आएगी और दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो याद रखना, यहाँ पे रेखाएं आएगी वो कैसी आएगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कहने का मतलब है कि कोई ना कोई आपका एक हल होगा और जहाँ पे कॉमन वैल्यू होगी और जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में आकर के क्या करेगी, इंटरसेप्ट करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यानी ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है, सी वन बटा, इस हल को अपन क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल बोलेंगे। और इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए इसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, एक बिंदु पर आपस में क्या करेगी, काटेगी। ठीक है, कहने का मतलब एक आपका हल होगा ये। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, संगत हल बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीन कंडीशन याद रखना। इसी तरह से अपन मान लीजिए कि ए वन बटा ए टू बराबर है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है, सी वन बटा सी टू, तो इस हल को अपन क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। ध्यान रखना, इस हल को अपन बोलेंगे कोई हल नहीं। ये सारी कंडीशन ध्यान रखना, एग्जाम में आपको कंडीशन दे के प्रश्न पूछेगा। देखिए, इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं, इस कंडीशन में अपन यदि इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो रेखाएं आपस में समानांतर आएगी। ध्यान रखना, रेखाएं कैसी आएगी, आपके समांतर, इसमें आपके बराबर नहीं है तो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। यहाँ पे आपकी कोई हल नहीं, ए वन बटा ए टू बराबर है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है, सी वन बटा सी टू, तो इस केस में कोई हल नहीं होगा और जो रेखाएं होगी वो आपकी कैसी होगी, समांतर। मान लीजिए कि तीसरी कंडीशन ऐसी हो जाए कि आपके तीनों ही बराबर है, ए वन बटा ए टू बराबर है, बी वन बटा बी टू बराबर है, सी वन बटा सी टू, तो इसको अपन बोलेंगे अनंत हल। क्या बोलेंगे, अनंत हल। ठीक है, और अनंत हल के केस में यदि अपन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो रेखाएं कैसी आएगी, आपके संपाती रेखा। संपाती रेखा का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर क्या आएगी, दूसरी रेखा, इसको अपन बोलते हैं संपाती रेखा। तो ये तीनों कंडीशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हो सकता है कि आपको रेखिक समीकरण के अंदर एक्स और वाई का मान न पूछ करके यहाँ से कोई प्रश्न पूछ ले, क्योंकि वहाँ से इजी प्रश्न है, हर कोई कर लेगा, कोई ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से थोड़े से प्रश्न अच्छे बनेंगे। कंडीशन आपको याद होनी बहुत ज़रूरी है, यानी तीनों बराबर नहीं है, अद्वितीय हल होगा और अद्वितीय हल के हल में अपन देखेंगे रेखाएँ कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएँ। मान लीजिए ए वन ए टू बराबर है, बी वन बी टू सी वन बटे सी टू के बराबर नहीं है, इस केस में कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा इस केस में जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, आपके समांतर होगी। और मान लीजिए तीनों ही बराबर है तो इस केस में आपके अनंत हल होंगे, और अनंत हल के केस में जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, संपाती रेखा। तो ये तीनों कंडीशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न बनेंगे आपको। ठीक है, ये दोनों आपकी लीनियर इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन पर इस टाइप की आपके कंडीशन आधारित प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है। ठीक है, तो यहाँ से आपके अच्छे प्रश्न बनेंगे, क्योंकि पीछे अपने जितना पढ़ा तो वो बहुत मतलब बेसिक तरीके से बहुत इजीली आप इसको ऑप्शन से प्रश्न हल कर लोगे, लेकिन यहाँ से आपको ये तीनों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, तीनों बराबर नहीं, अद्वितीय हल, रेखाएं प्रतिच्छेदी। मान लीजिए पहले वाले दो बराबर, लास्ट वाले के बराबर नहीं, कोई हल नहीं, रेखाएं समानांतर होगी, और तीनों ही बराबर, अनंत हल होंगे, और रेखाएं कैसी होगी, संपत्ति रेखा। ठीक है, तो देखते हैं इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखिए, निम्न रेखिक युग्म समीकरण द्वारा आपको बताना है कि रेखाएं कैसे होगी, समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी। चेक करते हैं, देखिए आपको यह ध्यान रखना, पहले वाले समीकरण में A1, B1, C1, A2, B2, C2, ये ध्यान रखना बराबर जीरो होना चाहिए, ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी। तो चेक करते हैं, A1 बटा A2 कितना है, 5/7, फिर आपका B1 बटा B2 यानी -4/6, आगे आपका C1 बटा C2 8/-9। आप देख सकते हो इस कंडीशन में न तो ये आपस में बराबर है, न ये आपस में बराबर है, तो कुल मिलाकर अपने देख लिया कि यहाँ पे कौन सा आपका हल होगा, आपका हल होगा अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल के केस में जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, आपकी प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो इस तरह से आपको चेक करना, ठीक है, कंडीशन आपको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे कौन सी रेखाएं हो जाएगी, आपकी
प्रतिच्छेदी रेखा है, बहुत ईजी है, चूंकि पहली कंडीशन अप्लाई हो रही है, चूंकि ए वन बटा ए टू बराबर नहीं है, बी वन बटा बी टू बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू, तो इस केस के अंदर आपकी कंडीशन कौन सी अप्लाई हो जाएगी, पहले वाली। ठीक है, अगला देखते हैं, देखिए इसको चेक करते हैं, लिखिए 9 बटे 18, ये आपका 3 बटा 6 और ये आपका 12 बटा 24। आप देखिए आपने लिख दिया ए वन बटा ए टू, बी वन बटा बी टू, सी वन बटा सी टू, तो ये भी आपका कितना है 1 बटा 2, ये भी कितना आपका 1 बटा 2 और ये भी कितना आपका 1 बटा 2। इसका मतलब है ए वन बटा ए टू बराबर है, बी वन बटा बी टू बराबर है सी वन बटा सी टू। आपके कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कंडीशन होगी आपकी थर्ड, और थर्ड कंडीशन के अंदर आपको पता है क्या कौन से हल होंगे, अनंत हल, कौन से हल, अनंत हल। ठीक है, और अनंत हल के अंदर अपन बात करें तो उस केस के अंदर अपन बात करें कि रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं आपके होगी संपाती रेखाएं, कैसी रेखाएं, संपाती रेखा। और संपाती रेखा का मतलब ये हो गया कि यदि अपन इसका ग्राफ में इसको दर्शाएंगे तो दोनों समीकरणों का जो ग्राफ आएगा वो एक ही लाइन पे आएगा इस तरह से। ठीक है, एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर स्थित होगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, संपात। यानी पहले आप इक्वेशन से जो ग्राफ बनाओगे जो जो वैल्यू लेकर के, और फिर दूसरे से बनाओगे तो वही वैल्यू इसकी, यानी एक के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, इसी को अपन क्या बोलते हैं, संपाती। तो बहुत ईजी है आपको इस तरह से कंडीशन पे ये सारे चेक करने। एक प्रश्न और अपन देख लेते हैं इसको, देखिए वापस से इसको चेक कर लेते हैं। देखिए ए वन बटा ए टू इन 6 बटा 2, बी वन बटा बी टू इन माइनस 3 बटा माइनस 1 और सी वन बटा सी टू इन 10 बटा 9। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, अब यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस से माइनस उड़ जाएगा, तो यानी इसको अपन काटेंगे ये भी कितना होगा 3 बटा 1। कहने का मतलब है आपका ए वन बटा ए टू बराबर है बी वन बटा बी टू लेकिन बराबर नहीं है सी वन बटा सी टू। तो आपकी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर कंडीशन की बात करें तो आपकी कंडीशन है इसका हल है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं की अपन बात करें और यहाँ पे इसकी अपन ग्राफ के अंदर इसको देखें रेखाओं को, तो रेखाएं आपकी कैसी होगी, समांतर रेखाएं, कैसी होगी, समांतर रेखाएं। ठीक है, यदि इसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो एक रेखा के दूसरी रेखा आपके क्या आएगी, एकदम समांतर आएगी। ठीक है, तो इजीली आप इन तीनों कंडीशन को ध्यान रखना, मान लीजिए तीनों बराबर नहीं है उस केस के अंदर आपकी अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल के केस में आपकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, एक बिंदु पर आपस में काटेगी। मान लीजिए पहले वाले दोनों बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं है, उस केस में आपका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं होगा उस कंडीशन अपन इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो रेखाएं आपके कैसी आएगी, समांतर रेखाएं। और तीसरी कंडीशन में मान लीजिए तीनों ही बराबर है, उस स्थिति के अंदर आपके जो हल होंगे वो आपके अनंत हल होंगे, और अनंत हल के केस में जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी, संपाति रेखा। तो कंडीशन आपको याद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न बड़े ईजी आएंगे क्योंकि ये 10th की क्लास में NCERT में दिया हुआ टॉपिक है, तो यहाँ पे आपके ग्राफ पे 6 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चे आराम से इसको हल करते हैं मेथड से, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मान रख रख के 2-3 मान निकालते हैं, फिर इसको ग्राफ के अंदर मान दर्शाते हैं, फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसकी मतलब बड़ा थ्योरेटिकल प्रश्न बनता है, 6 नंबर का आता था पहले। ठीक है, तो आपको उन चीज़ में नहीं देना, कंडीशन याद रखनी, ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न बनेगा, याद कि आपको सीधा एक्स और वाई का मान पूछा है तो आप सीधा ऑप्शन के अंदर मान फिट करिए, और ऑप्शन के जो मान हैं जो भी समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं वही आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, तो ईजिली कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आपको मतलब एग्जाम में यदि आता है तो आप मान के चलिए कि प्रश्न आपके लिए बहुत ईजिली सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़े से कुछ और एडवांस प्रश्न देखते हैं, देखिए अब इस कंडीशन पर आधारित और क्या प्रश्न बन सकते हैं। देखो के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, अब देखो कंडीशन दे दी इन्होंने, क्या हल होंगे, अनंत हल। अब इसी से अपन प्रश्न को हल करेंगे, ध्यान से देखना, इस प्रकार के जब भी आप प्रश्न हल करो तो कंडीशन आप जरूर देखना पीछे। ठीक है, तो अनंत हल की जो कंडीशन वो क्या होती, ए वन बटा ए टू बराबर होगा बी वन बटा बी टू बराबर होगा आपका सी वन बटा सी टू, यही कंडीशन है अनंत की। अब इस कंडीशन को आप अप्लाई करिए इस समीकरण से, तो आपका ए वन का मान कितना है 2 बटा 4 बराबर बी वन का मान कितना 3, बी टू का मान कितना है k, इन दोनों का आप इधर लिया होगे दोनों जगह माइनस 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 से उड़ जाएगा, तो सीधा लिख दूं मैं 5/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसके मान निकालने की कोशिश करिए, आप पहले इन दोनों को बराबर कर दो, तो यहाँ से k का मान कितना हो जाएगा 2k बराबर कितना आएगा आपका 12, तो k का मान कितना आएगा आपका 6, और मान लीजिए आप इन दोनों को बराबर कर रहे हो तो उस केस में भी आपके आप चेक कर सकते हो, तो ये आपका 5k इजिकल टू 30
के इज इक्वल टू कितना आएगा, 6। तो आपको पूछा है के के किस मान के लिए आपका जो हल होगा वो क्या होगा, आपका अनंत हल। यदि मैं के की जगह 6 रख देता हूँ तो इसकी तीनों वैल्यू आपस में बराबर आएगी। जैसे देखिए 2/4 यानी 1/2, यहाँ भी 3/6 1/2, यहाँ भी 5/10 1/2, तीनों बराबर है। इसका मतलब हल कौन सा हो जाएगा, आपका अनंत हल। और अनंत हल के केस में अपन रेखाओं की बात करें तो कैसी होगी, संपाति रेखा। तो यहाँ के का मान कितना हो जाएगा आपका, 6। बड़ा इजी प्रश्न आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कंडीशन अच्छे से आ रही है, बिल्कुल प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगला देखिए, समीकरण निकाय के लिए कोई हल विद्यमान नहीं है। तो यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी, कोई हल विद्यमान नहीं है, तो आपको कोई हल विद्यमान नहीं वो कंडीशन लिखिए। तो यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2। यही कंडीशन पढ़ी हमने, कोई हल नहीं। अब इस कंडीशन के अंदर आप मान फिट करिए, दोनों समीकरण दे रखे हैं, a1 का मान x का गुणांक 3, a2 का मान दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2k-1 बराबर y का गुणांक 1 और दूसरे समीकरण के अंदर y का गुणांक k-1 बराबर नहीं है। आप उन दोनों समीकरण को इधर लाओगे, माइनस माइनस उड़ जाएगा, तो ये c1 का मान 1 और c2 का मान 2k+1। आपको k का मान पूछा है तो यहां से आप पहले वाले दोनों समीकरण को बराबर कर दो, ये आपको दिए हुए बराबर, इनको बराबर करिए, क्रॉस गुणा करो, ये 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। तो ये इधर आएगा आपका k और ये उधर जाएगा, तो आपका -1 और ये प्लस का 3, तो यहाँ से k का मान कितना निकल के आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो k का मान कितना हो जाएगा, 2। आप यदि k का मान इसमें 2 रखोगे तो आपका कोई हल विद्यमान नहीं वो निकल जाए। देखिए k का मान 2 रखता हूँ तो 2 × 4, 4 में से 1 जाएगा 3/3, 1 आ गया, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगी, दोनों बराबर हो गए। और तीसरे वाला रखोगे, इन दोनों के ये बराबर नहीं आएगा। जैसे देखिए 4 × 5 इन 1/5, कहने का मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। तो इस केस को अपन क्या बोलूंगी, कोई हल विद्यमान नहीं। और कोई हल विद्यमान नहीं यदि इसको अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे और उस स्थिति के अंदर जो रेखाएं आएगी वापस में क्या आएगी, समांतर, दोनों से दो मान निकलेंगे। आप जितने भी समीकरण के अंदर 2-3 मान निकालोगे अलग अलग और फिर इसको ग्राफ के अंदर इसको दर्शाओगे तो आपको दोनों रेखाएं कैसी आएगी, समांतर। तो कंडीशन आपको अच्छे से आ रही है तो यहां से प्रश्न हल करने में बिल्कुल जोर नहीं आएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। देखिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी आपको, अद्वितीय हल, ठीक है, आपको अद्वितीय हल की कंडीशन। तो सबसे पहले आप अद्वितीय हल को लिखिए, क्या कंडीशन होती, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2। तो हमने ये कंडीशन पढ़ी अद्वितीय हल की। अब देखिए अपन क्या करते हैं, मान रखते हैं पहले वाले समीकरण में x का गुणांक a1, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक b1 बराबर नहीं है, पहले वाले समीकरण में y का गुणांक k, दूसरे वाले समीकरण में y का गुणांक आपका -5 बराबर नहीं है, और फिर आप दोनों को इधर लाओगे तो ये माइनस माइनस उड़ जाएगा वैसे ही, ठीक है, तो माइनस माइनस आप उड़ा सकते हो, तो ये दोनों आपके उड़ गया। अब आप देखिए इन दोनों को हल करिए, क्योंकि देखिए आपको दोनों हल कर, पहले इन दोनों को बराबर बराबर नहीं इसको करिए, फिर इन दोनों को बराबर नहीं ऐसे करिए, क्योंकि ऑप्शन में भी k इज नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है, k इज नॉट इक्वल टू दिया, तो आप भी ऐसे हल करिए। अब इनको मैं बराबर करके हल करता हूँ तो ये आपका आएगा, इसका इसका हो जाएगा, तो 3k इज नॉट इक्वल टू -10, तो k की वैल्यू निकालनी इज नॉट इक्वल टू -10/3। तो यहाँ से आपका k इज नॉट इक्वल टू -10/3 आ गया। अब मान लीजिए लास्ट वाले दोनों को मैं नॉट इक्वल टू करता हूँ तो यहाँ से आपका देखिए ये हो जाएगा 7k इज नॉट इक्वल टू -k5 और k इज नॉट इक्वल टू -k5/7। आप देखिए यानी k का मान ये नहीं होना चाहिए, यदि k का मान ये हो जाएगा तो ये आपकी कंडीशन वो फुलफिल नहीं होगी। तो याद रखना है यानी k का मान ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, यदि ये दोनों मान ये नहीं होंगे और बाकी कोई भी मान होगा तो उसके लिए आपका जो निकाय बनेगा वो कैसा बनेगा, अद्वितीय बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी इसमें से कौन सा ऑप्शन में है, -10/3, तो कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो कोई भी एक मान हो सकता, दोनों भी दे दे, तो ध्यान रखना है यदि के का मान आपके -10/3 नहीं होना चाहिए और के का मान आपका -k5/7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि ये हो जाएगा तो फिर वो आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी अद्वितीय हल वाली, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ईजी है, तो यहाँ से जो प्रश्न एग्जाम में आएगा तो एक तो आपको हो सकता है कि 2 समीकरण दे दे रेखिक समीकरण और उस स्थिति के अंदर आपको पूछ ले x और y के मान, ठीक है, तो एक तो ये बन सकता है।
एक याद रखना इसका स्टैंडर्ड, फिर आपको मान लो दो समीकरण दे करके आपको कंडीशन पूछ ले, और कंडीशन की स्थिति में आपके तीन हल होंगे और तीन बहुत ईजी है। मान लीजिए तीनों ही बराबर नहीं है, a1 बटा a2 बराबर नहीं है, b1 बटा b2 बराबर नहीं है, c1 बटा c2, तो इस स्थिति के अंदर जो आपका हल होगा वो अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल के अंदर जो रेखाएं आएगी ग्राफ पे वो प्रतिच्छेदी रेखाएं आएगी, एक बिंदु पर आपस में प्रतिच्छेद करेगी। मान लीजिए पहले दोनों बराबर है और लास्ट वाले के बराबर नहीं है, तो उस स्थिति के अंदर आपका कोई हल नहीं होगा, और कोई हल नहीं यदि अपन दोनों समीकरण से इसको ग्राफ में अपन दर्शाते हैं तो आपस में रेखाएं समांतर आएगी, और मान लीजिए कि तीनों ही आपस में बराबर है तो उस केस के अंदर आपके जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे, और अनंत हल के केस में यदि अपन इसको ग्राफ में दर्शाते हैं तो आपकी रेखाएं कैसी आएगी, संपाति रेखा, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, उसी के ऊपर आएगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, संपाति। और फिर हो सकता है आपको एक कंडीशन देकर के k का a का x का कोई भी मान आपको पूछा जा सकता है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको कंडीशन पता है, कंडीशन के अंदर मान फिट करिए और फिर आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको हल करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पक्षांतरण करके आपको हल करना, ठीक है। एक इस कंडीशन का ध्यान रखना, अद्वितीय हल के अंदर आपके नॉट इक्वल टू है तो आपको भी ऑप्शन में वैल्यू है वो भी आपके नॉट इक्वल टू रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें याद रखना, दो चरों वाला रैखिक समीकरण बड़ा ईजी है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इजीली इसको हल कर पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।